वेलकम टू माय चैनल फैशन केयर। मैं हूँ प्रिया और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कैसा वीडियो जो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है, जिनकी स्किन वेरी सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है लाइक मी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि मैं DIY यूज़ नहीं कर पाती थी, घर के प्रोडक्ट्स भी मैं यूज़ नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे डर लगता था, मुझे ईचिंग होती थी ना, पिंपल्स निकल आते थे, तो जिससे मैं हमेशा परेशान रहती थी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या लगाऊं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसे मैंने यूज़ करने के बाद यू नो मेरी लाइफ चेंज हो गई, यू नो स्किन प्रॉब्लम से मैं काफ़ी हद तक दूर चली गई विदाउट डॉक्टर। डॉक्टर की मुझे ज़रूरत कभी नहीं पड़ी, मेरे फेस बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह होते थे। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मेरे खुद के प्रोडक्ट यूज़ किए हुए हैं। आप क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये प्रोडक्ट मैंने खुद परचेस किया है और मैंने इसे लास्ट 1 ईयर से मैं यूज़ कर रही हूँ रेगुलर बेसिस पे। और आप बिलीव नहीं करेंगे इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद से मैं जो DIY कुछ भी अब यू नो यूट्यूब पे देख देख के चीज़ सीखा है मैंने, वही मैं अप्लाई करती हूँ, मुझे कोई भी साइड इफेक्ट इसके नहीं होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फेस वॉश से, यू नो सबसे ज़रूरी है तो फेस को क्लीन करना। फेस को क्लीन करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फेस वॉश की, और फेस वॉश के लिए मैं यूज़ करती हूँ आई थिंक हिमालय नीम फेस वॉश। हिमालय नीम फेस वॉश यू नो लाइक मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मिलता है, इसे मैं यू नो 1.5 ईयर से यूज़ कर रही हूँ, रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन लाइक मी सेंसिटिव है, हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि सबकी स्किन अलग अलग टाइप की होती है, सेंसिटिव स्किन में भी कई टाइप्स होते हैं, पर ट्रस्ट मी गाइस अगर आप एक दो बार इसे यूज़ करके देखें, अगर नहीं सूट करता तो अदरवाइज आप इस प्रोडक्ट को नहीं यूज़ कर सकते। पर अगर मेरी तरह सेंसिटिव स्किन है और ड्राई स्किन है काफ़ी, तो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। हिमालय नीम फेस वॉश मेरे लिए गॉड गिफ्ट की तरह हो गया है, मैं तो इसकी फ़ैन हो चुकी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2-3 चीज़ें इसके साथ इंक्लूड करनी पड़ेंगी, कोई DIY नहीं बता रही हूँ, वो डेली रूटीन केयर के जैसे होते हैं वैसे ही बताऊँगी। इसको यूज़ करने के लिए आप 2 टाइम यूज़ करना है, सुबह और शाम। तो सुबह आप तो जैसे नहाने जाते हो वैसे फेस वॉश करते ही होगे, और ये नाइट टाइम में भी आप फेस वॉश करके सोएं, कोई मॉइस्चराइज़र अदरवाइज़ जो भी आप लगाते हो नाइट क्रीम वगैरह आप लगा सकते हो, पर आप कहीं से भी बाहर से भी आओ तो फेस वॉश हिमालय नीम फेस वॉश से करके देखो, लाइक मिरेकल है ये ना मुहासे वगैरह स्पॉट्स वगैरह के लिए बहुत बेनिफिट है। आप देख सकते हो जैसे स्किन पे अभी भी थोड़े बहुत हैं, लाइट काफ़ी हद तक लाइट हो चुके हैं ये, तो इसे मैं रिकमेंड करना चाहूँगी आपको हिमालय नीम फेस वॉश। ये ना इसके बेनिफिट मैं आपको बता चुकी हूँ, ट्रस्ट मी गाइस ये बहुत अच्छा है, आप इस करके देखेंगे आप इसके बेनिफिट मुझे बताएंगे। इसके छोटे साइज भी आते हैं, ये 155 रुपीज़ का मिला है, 150 ml है ये, 155 रुपीज़ का मिला है, नीम का है, प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश, बहुत ही ट्रस्ट मी गाइस बहुत अच्छा है फेस वॉश। मैंने तो इस रेगुलर बेसिस पे यूज़ किया, आप भी करके देखिएगा फिर मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको हिमालय का ही है प्रोडक्ट, नो लाइक मैं हिमालय की फैन हो चुकी हूँ, ट्रस्ट मी गाइस ये स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, मेरे मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आया है, उसके 1 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगी आपको हिमालय का स्क्रब, ये भी बहुत अच्छा है, ये फेस स्क्रब है, बॉडी स्क्रब नहीं है, ये फेस स्क्रब है। फेस स्क्रब आप यू नो फेस वॉश करने के बाद आप जब नहा वहा के आती हैं और फेस वॉश करके आती हैं अपना जब रूम में आती हैं, तो आपको मन करता होगा कि हाँ मेरे फेस पे बहुत ही स्पॉट्स हो गए हैं, यू नो पैची लगने लगे हैं, ड्राई स्किन लगती है, तो आप उसको स्क्रब करना, डेड स्किन को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। डेड स्किन को निकालेंगे नहीं जब तक आपकी स्किन क्लियर नहीं होगी, आप उस पर कोई भी प्रोडक्ट के ना कभी भी मेकअप करेंगे तो वो पैची लगेगा, नहीं क्या कहते हैं स्किन निकलने लगती है लाइक मम्मा लोग कहते हैं, तो वो वैसे वैसे स्किन्स निकलने लगेंगे, तो डेड स्किन निकलने लगेगी तो स्क्रब करके आप उसे हटा दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा ना।
तो ये आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा आप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा भी ड्रॉप नो लाइक थोड़ा सा भी प्रोडक्ट यूज़ करके आप, मैं इस प्रोडक्ट यूज़ करके बताऊँगी, फिलहाल मैं बता रही हूँ, रिकमेंड कर रही हूँ कि आप इसे यूज़ करके देखिए। ट्रस्ट मी गाइस, ये स्पॉन्सर वीडियो में कितनी बार बता दूँ कि आपको नहीं है, इसे बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो मत समझिएगा आप लोग, ये मैं प्रोडक्ट खुद यूज़ करती हूँ इसलिए आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। तो ये मेरा हिमालय का स्क्रब है, जेंटली स्क्रब करना है ना, रोज़ वाटर से कीजिए या नॉर्मल वाटर से कीजिए, स्मूथली करना है, मैं सब करके आपको बाद में बताऊँगी। फिलहाल तो मैं ये वीडियो में आपको प्रोडक्ट के नॉलेज के लिए बता रही थी, मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ जिस वजह से मेरी स्किन में पहले की पिक्स डाल दूँगी, आपको देख लोगे आप लोग, यू नो यहाँ कहीं लगा दूँगी मैं आपको बता दूँगी मेरी पहले वाली स्किन कैसी थी और अभी की स्किन कैसी है। तो ये मैं रिकमेंड करना चाहूँगी, अगर आप मेरी तरह सेंसिटिव स्किन वाले हैं तो प्लीज़ आप इसे यूज़ करके देखिएगा, आपको बेनिफिट्स इसके ज़रूर मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगी हिमालय का ये ट्यूरिंग पॉइंट फेस पैक, हिमालय का नीम फेस पैक है ना, इसकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे, पर जो चीज़ स्मेल ज़रूरी नहीं है कि स्मेल हर चीज़ की अच्छी हो, नो स्मेल अच्छी नहीं है इसके बावजूद, इसकी फिनेंस अच्छी नहीं है इसके बावजूद मैं इसे लगाती हूँ बिकॉज मेरे फेस को सूट करता है। आई होप कि आपके ये प्रोडक्ट आपके फेस को भी सूट करेगा, तो आप इसे यूज़ करके देखिएगा, फिर आप हमें इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू। और नेक्स्ट विंटर सीज़न आ गया, और विंटर सीज़न के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत पड़ती है, विंटर सीज़न की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें बॉडी लोशन की, और बॉडी लोशन मेरी ड्राई स्किन है, मेरा बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेरी तरफ बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है ना, हाईली ड्राई स्किन वाले हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगी सबसे ऑल आप अपने वॉशरूम में आप एक बॉटल में सरसों का तेल ना मस्टर्ड ऑयल उसे भर के शीशी में रख लीजिए। उसके बाद तो आपको कोई प्रोडक्ट ना बॉडी लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं फ्रेग्रेंस के लिए, लाइक स्मूथनेस के लिए, खुशबू के लिए आप लगा सकते हैं। तो आप मस्टर्ड ऑयल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप उसे अपने वॉशरूम में रख लीजिए, नहाने के बाद नो सब नॉर्मल लगाते हैं, उसके बाद नहाने के बाद आप उसे यू नो एंट्री अपने स्किन पे पूरा रख लीजिए, लगा लीजिए अच्छे से लगा लीजिए, और फिर चलो फिर शावर ले लीजिए, अच्छे से नहा लीजिए, फिर उसके बाद आप आइए अपने रूम में, और फिर उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा लगाना है हिमालय। ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है क्योंकि मैं इसकी फ़ैन हो चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मैं इस बात को कई बार बता चुकी हूँ, आई होप कि आप लोगों ने कमेंट में से टोकेंगे भी ज़रूर कि आपकी कितनी बार बार बताते हो, पर ये मेरे लिए नो लाइक वरदान साबित हुआ है, इसलिए मैं लाइक करने लगी हूँ। तो हिमालय का बॉडी लोशन कोको, सॉरी मैं सिंस 1930 कोको बटर सेंसिटिव बॉडी लोशन इंटेंसिव बॉडी लोशन, अगर आपकी डीप पिंपल्स प्रॉब्लम है तो आप कोको बटर वाला यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है, इसे मैं रेगुलर बेसिस पे अपनी हैंड में पूरी बॉडी पर बॉडी में यूज़ करती हूँ, और मैंने इसके बेनिफिट्स देखे हैं, स्किन मेरी बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है, फिलहाल आप देख सकते हो कि इसमें ड्राई नहीं है क्योंकि मैंने इसे लगाया हुआ है। ऑयल तो मैं रेगुलर बेसिस से यूज़ करती हूँ, उसके ट्रॉल मैं इसके बाद ही हिमालय यूज़ करती हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप ऑयल नहीं यूज़ किया आप इसे लगाओगे कुछ घंटे रहेगा, ये मैंने कह सकती कि 24 आवर्स रहेगा, पर ये कुछ घंटे तो रहेगा, लाइक 8 to 10 आवर्स रहेगा, पर अदरवाइज अगर आप ऑयल के आफ्टर लगाते हो तो ये 24 आवर्स आपको बेनिफिट देगा। तो ट्रस्ट मी गाइस, ये प्रोडक्ट जो हिमालय के हैं जो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि मेरी सेंसिटिव स्किन है, ट्रस्ट मी गाइस मेरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, मैं हर प्रोडक्ट को 10 बार सोचती हूँ फिर लगती हूँ, यू नो मुझे हर प्रोडक्ट से डर लगता है, तो इसलिए मैं आपको ये प्रेफर कर रही हूँ। और जैसे जैसे मैं जो भी प्रोडक्ट करूँगी यूज़ मैं आपको बताऊँगी, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे मिलने वाले हैं बिकॉज ऑफ सेंसिटिव स्किन लाइक बहुत लोगों के हैं, और वो डरते हैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें और कौन सा नहीं करें,
तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और अपना चैनल लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं। तो मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और चाहते चाहते लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि अगर वो सेंसिटिव स्किन वाले हैं तो बेनिफिट ले सकें मेरे थ्रू। यू नो अपने एक्सपीरियंस के तो मैं बता सकूँ कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप कौन से प्रोडक्ट यूज़ करें, कौन से ना करें, कौन सा बिहेवियर यूज़ करें, कौन सा बिहेवियर यूज़ ना करें, मैं इन सब के बारे में आपको बताऊंगी। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है इस वीडियो में तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, ये मेरा ना स्टार्टिंग की वीडियोस है, मैं कोशिश कर रही हूँ इम्प्रूवमेंट करने की। अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप अपने लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे हो और हेल्दी रहिए। और यू नो चलिए फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा। Bye-bye.